And what you see right now is a plastic wrapper. This is one of the greatest invention of mankind, but we have made it a villain because we do not know how to reuse it. Unfortunately, आज अगर हम घर में chips लाते हैं या biscuit का packet लाते हैं, biscuit यानी या noodles लाते हैं या chocolate खाते हैं, ये wrapper जो उससे बचता है हम उसको dustbin में डाल देते हैं. हमें लगता है कि ये dust है, हमें लगता है ये कूड़ा है, but ये हमारा सोच बदलने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी एक प्लास्टिक है. ये जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं, ये हवा से उड़ के हो या किसी भी कारण से गंदा हो जाता है. एंड अगर ये प्लास्टिक गंदा हो गया, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है दोबारा. अनफॉर्चुनेटली आज के समय दिए जो रैपर्स होते हैं, ये या तो लैंडफिल में चले जाते हैं, कहीं कहीं आग लगा दिए जाते हैं, कभी कभी नदियों में चले जाते हैं और समुन्द्र में जाते हैं, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसके कारण किस तरीके के हमें बीमारियां हो रही हैं, पोल्यूशन फैल रहा है. चाहे एयर की बात करूं या वाटर पोल्यूशन की बात करूं, ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं. लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस जो प्लास्टिक का ये रैपर है, इसको हम कूड़ा समझते हैं, जिसका सोच बदलना बहुत ज़रूरी है. आपको शायद जान के खुशी होगी कि यही वो रैपर है. अगर आप ऐसे 10 लाख रैपर हमें देंगे तो वो 1 किलोमीटर के रोड बनाने के काम आता है. इसी तरीके से यही रैपर प्लास्टिक को कलेक्ट करके पेवर ब्लॉक्स बनते हैं, जिससे फुटपाथ बनते हैं. इन्हीं को कलेक्ट करके कॉरुगेटेड शीट्स मतलब छत बनाने के काम आता है. टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसी से टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, ट्रेन में इस्तेमाल होते हैं, केबिन्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स भी बनते हैं. लेकिन ये तभी हो सकता है जब एज सिटीजन्स, एज आप और मैं, इन टाइप के रैपर्स को साफ रखें और इसको रिसाइकलिंग में डालें. इसको म्यूनसिपल्टी को हमें देना है एज सूखा कचरा, लेकिन साफ सुथरे हालत में. इसके लिए मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ एक छोटा सा उपाय, वो है ये प्लास्टिक का बोतल. हम ये क्या कर रहे हैं, सबको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रैपर है आपके पास, ये आप फेंकिए मत, ये आप सिंपल तरीके से इस बोतल में डाल दीजिए. आपको बस घर में ही इस टाइप के बोतल आपको मिल जाएंगे, चाहे कोल्ड ड्रिंक का बोतल हो या पानी पीने का बोतल हो. इसको पेट बॉटल कहते हैं. आपको बस ये खोलना है इसका ढक्कन और इसको छोटे टुकड़े करके इसको अंदर डाल देने हैं, और जितना हो सके डंडी से इसको पुश करके टाइट करके बनाने हैं, ताकि जितना हो सके प्लास्टिक इस रैपर के अंदर, इस पर्टिकुलर बोतल के अंदर बंद हो जाए. इसको हमने इको ब्रिक का नाम दिया है. ये वर्ल्ड में हर जगह इको ब्रिक के नाम से जाना जाता है. इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है कि जैसे पिछले लगभग 1 महीने का मेरा प्लास्टिक जो भी है, ये सब इसी में बंद है. ये सूखा रहता है, ये गंदा नहीं होता, और जब ये भर जाएगा मैं ये कबाड़ी वाले को दे दूंगा या रिसाइकलर को दे दूंगा या म्यूनसिपल्टी को दे दूंगा. उनको सेग्रीगेट करना बहुत आसान हो जाता है. वो एक जगह इसको रखते हैं और वो अपने सर्टिफाइड एनजीओस को ये रिसाइकलिंग के लिए दे देते हैं. पूरे दुनिया में आज ये बहुत बड़ा सुपर हिट तरीका है प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने का. और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको घर में बनाएं, गीले कचरे को गीले कचरे में डालें, सूखे कचरे को सूखे कचरे में डालें, और प्लास्टिक जो कचरा नहीं है उसका आप इको ब्रिक बना के फिर हैंडओवर कीजिए. इससे आप इस देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.